उत्तर प्रदेश पुलिस का मान वीय चेहरा सामने आ गया। मजदूरों पर यह सितम आखिरकार क्या कह रहा है आप खुद देखिए। जब पूरे देश में मजदूर तड़प रहे हैं, कहीं ट्रकों से उनकी जान जा रही है और कहीं इस तरीके से पुलिस का चेहरा सामने आ रहा है। जब पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए तब वो उन्हें सजा दे रहे हैं। आप भी देखिए, मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ का। ये प्रवासी मजदूर पटरियों के किनारे किनारे होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे, वो भी पैदल। कोतवाली नगर क्षेत्र के चमड़ी फाटक पर रेल की पटरी के किनारे गश्त करती पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। देखा तो मास्क भी नहीं था, लिहाजा पुलिस कर्मियों ने उन्हें सजा के तौर पर सड़क पर लेटने की सजा दी। सजा देने के दौरान पुलिस कर्मियों को इस तपती धूप का भी ख्याल नहीं आया। इस दौरान वो श्रमिकों पर डंडे बरसाते भी दिखाई दिए। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने भी दोनों कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक रेलवे फाटक की पटरियों पर दो युवकों से तपती धूप में जमीन पर परिक्रमा कराने वाला एक पुलिसकर्मी सिपाही तो दूसरा होमगार्ड है। सिपाही को लाइन हाजिर व होमगार्ड के ऊपर कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र लिखा गया है। सरकार के दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों के पैदल साइकिल और अपने दूसरे साधनों से मीलों लंबा सफर तय कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ऐसा व्यवहार आज सवाल उठा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और रेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।